उसी के कड़ी में ये बयान भूलवश हो गया था। अगर इससे किसी को तकलीफ है तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, सार्वजनिक माफी मांग रहे हैं, क्षमा प्रार्थी है, माफी वही हुआ। ये बयान पार्टी के द्वारा बोला गया था करने के लिए। तो मुजफ्फरपुर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी अजय निषाद ने 2020 में तबलीगी जमात के खिलाफ दिए गए बयान को लेकर माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि मेरे इस बयान से लोग नाराज हैं। मैंने बहुत पहले कोरोना काल के दौरान यह बयान दिया था, उस दौरान लोग परेशान थे, पार्टी की ओर से बयान देने को कहा गया था, इस दौरान भूल से यह बयान दे दिया था। इस बयान से किसी को कोई तकलीफ है तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। उन्होंने कहा कि हम लोग सभी धर्म को मानने वाले नेता हैं, जीत के लिए सभी का समर्थन चाहिए। अजय निषाद शुक्रवार को दाता कम्बल शाह के मजार पर चादर पोसी करने पहुंचे थे। इस दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। इससे पहले वे बाबा गरीबनाथ मंदिर पहुंचे थे जहां पूजा अर्चना की। बता दे कि अजय निषाद बीजेपी से सांसद थे लेकिन टिकट कटने के बाद बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए हैं। बता दें कि 12 मई 2020 को अजय निषाद ने तबलीगी जमात के सदस्य को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि तबलीगी जमात के सदस्यों ने पूरे देश में कोरोना फैलाया है, इसकी वजह से आज स्थिति गंभीर हो गई है। कोरोना संक्रमण फैलाने वालों से आतंकवादियों की तरह निपटा जाना चाहिए। अजय निषाद ने ये बात बीजेपी सांसद रहते हुए कही थी। दुआ मांगे। हम लोग सभी धर्म को मानने वाले राजनीतिक लोग हैं और सभी का जन समर्थन चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम भाई भाई हम लोग हैं, तो उसी के समर्थन के कड़ी में, चूंकि अब चुनाव अभियान का शुरुआत हो चुका है, उसी के कड़ी में पहले आज गरीब स्थान भी गए थे, वहाँ के बाद यहाँ हैं। क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल शुरुआत करता है तो दोनों जगह से करता है। अच्छा, तबलीगी जमात को लेके नाराज है मुसलमान है सिख? देखिए, उस समय बहुत पहले ये जो कोविड काल का ये बयान है, ठीक ना, उस समय आप देखे होंगे कि सारे लोग बहुत परेशान थे, लोग एक दूसरे से भाग रहे थे, इंसान इंसान से भाग रहा था। उस समय लोग की मानसिक हालात भी ठीक नहीं थे, बहुत लोग डिप्रेशन में थे, फ्रस्ट्रेशन में थे। तो उस समय भूलवश ये बयान निकल गया था। थोड़ा भारतीय जनता पार्टी का भी रहता है कि दबाव आप दीजिए। ये बयान पार्टी के द्वारा बोला गया था करने के लिए। तो उस समय होता है ना कि किसी आदमी को जब कोई, एक तरह से होता है कि जब आप अमृत पी लेते हैं तो अजर अमर का भाव शरीर में आ जाता है। तो उसी तरह से होता है कि कोई पार्टी अगर बयान देने के लिए तैयार हो जाता है, देने का निर्देश जब देता है तो आदमी थोड़ा जरूरत से ज़्यादा बोल देता है। उसी के कड़ी में ये बयान भूलवश हो गया था। अगर इससे किसी को तकलीफ है तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, सार्वजनिक माफी मांग रहे हैं, क्षमा प्रार्थी है, माफी वही हुआ। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बना दे। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।